बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरा ऑफ टाइम न्यूज़ प्रोग्राम व्यूज़ टाइम आवा यहाँ महताब अली मुनी नाज़िर। सैटरडे स्पेशल एडिशन छंछर से जो खसूसी प्रोग्राम कर व्यूज़ टाइम जो उन में अज अस अहम टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वह सिंध से रिलेटेड है। जाहिर गाल है सिंध के मामलों ही गाल बोल कर इन खसूसी एडिशन में वफाकी हुकूमत पारा कौमी असेंबली में बिल जो है वो पास कराया पो है। कानून साजी बेसिकली कई भी है। तरमीमी बिल है पाकिस्तान मेरीटाइम जोन्स एक्ट 2023 जो इनके नालो दिनों पो है। कौमी असेंबली में पास थियण का फौरी तौर से इनके गजट में शामिल कर स्टैंडिंग कमेटी दा भी यो बिल मोकिलो वो हो कानून बन चुको है। हाँ इन बिल कानून साजी का बेट जो खास तौर से या सामूरी हदू जी उन्होंने डेवलपमेंट जो वफाक कह तरीक़ेकार हों या वरी सूबे के इनको को फायद पवो इन गाल बोल कंदी। अजो के खसूसी प्रोग्राम में असा खसूसी तौर जॉइन किया है पीपल्स पार्टी सिंध जहाँ सदर आन निसार अहमद खोड़ो साहब सैनेटर भी असा सा गड् डॉक्टर जमील अहमद खान साहब असा जॉइन किया है। नसीर मेमन साहब सीनियर तजिया निगार इन कुछ दिन पैर पैं अखबार में इन हवाले से तफसीली कॉलम भी लिखो हो असा गड्न। प्रोफेसर डॉक्टर नाम भट्टी साहब असा सा गड्न। डॉक्टर अयूब शेख साहब ए सीनियर कानूनदान आइनी माहिर शुहाब ओस्तो साहब का वरी इन मामले जहाँ कानूनी ए आइनी पासा समझने की कोशिश कंदी। फजलुल्लाह कुरैशी साहब जो उसे जॉइन कंदा अयाज लतीफ अली जो साहब का भी राय वी। थैंक यू सो मच सर। निसार अहमद खोड़ो साहब बड़ी मेहरबानी है जॉइन किया वेलकम चूं पा शो में। चव हि जो बिल पास थो है कानून साधी जी कई वही है कौमी असेंबली में बेटन के हवाले से सामूरी हदन के हवाले से सर जो मतलब भी हो तो प्रपोजल शुरू में उन्होंने जो हो सर पीटीआई के दौर में तो बेट जे के हैं उन्हें ते नवा शहर अडन जी गाल भी थी हुई ना पो नवा शहर भी होता पियो तो जे करे पीटीआई जे वजीर जी सिग्नेचर हुई तो टेबल या मूव उन्हें करायो होंदो उनका पो थी सके तो स्टैंडिंग कमेटी रे मोकलो गयो हो जे स्टैंडिंग कमेटी जे डिस्कशन करण का पो शायद मोटियो हो जे उन में ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में पेश कियो हो जे इन जो तरीकेकार थींदो इए ही आए थी सके तो या सूरत हाल हुए मुख्य बिल्कुल चंगे नमूने से खबर ना है। माफी तो घुरा माफी तो घुरा तो मुख्य इन पे कापी मुख्य भी नसीब को जो भी अग कथी तो क्या तो पक ही स्टैंडिंग कमेटी में वो होंद स्टैंडिंग कमेटी का असेंबली में आयो हों यो अंदाजो थी सके तो उनमें लिखल है या मुख्य खबर ना है। माफी तो घुरा तुम कुछ जिक्र कर बारह नॉटिकल जी ये 12 नॉटिकल माइल ताई छा हुंदो अगे में जेको रहयो निसार साहब 12 नॉटिकल माइल जेका सूबे जे सामुंडी हद आए सूबे जी उन ताई वफाक जी अदारादारी हुई या वफाक जेको आए उन ते कंट्रोल करयो पे सक्यो। हाण जेका कानून साजी कई वई आए उन में मुकम्मल तौर ते जेको बुधाए पियो जे 300 नॉटिकल मेल आए वा 620 किलोमीटर थे थी मतलब त समूरी सामूंडी हद जो है वह वफाक हवाले थी वही। हाँ सूबाई हुकूमत जो उन को भी कंट्रोल जो है वो नी सिर्फ यो तो वजाहत करना चाहें तो 12 नॉटिकल माइल वफाक के हवाले होंदा हुआ ये चो जी सर हाँ 300 मेल की गाल है जी जो है सो वो फेडरल हो बेसलाइन बेसलाइन का साढ़ा 300 बेसलाइन मुराद थी जितना का समुद्र शुरू थी दो। हाँ बेसलाइन जो है 12 वाली खत्म थी प्रोविंशल तो कोस्टल एरिया पो जो भी आ सजो सिंध ए बलोचिस्तान जो हाँ उन बेसलाइन का वफाक की पूरी जो है अख्तियार होंद वो चाहे कंखे भी दई सकन था का भी उत आइलैंड डेवलप कर सकन था आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप कर सकन था कें भी शिप्स के वारशिप्स के उत्तर अचान जला भी परमिशन वे दे सकन था। देखो मुके थोड़ो घो अंदाजो आए साई वो एक्चुअली मसलो थियो गवादर में जी गवादर जे मानन काफी एहतजाज क्या ए वो पानी ते पांजो हक घुरन पिया 12 नॉटिकल माइल के लिहाज खां उनन काफी कुछ उते एहतजाज कयो हुयो जें जे खिलाफ सगाल हले पई थी सके तो उनके बेस बनाए सजी सामुंडी लाइन के इन नमूने से कहो वो हुए उनमें बेसिकली तो मान जी आए फिशरीज उनमें फिशिंग राइट्स जो सूबे जहा हो खन या न होजन खपन रही गाल के डेवलपमेंट की स्कीम जो इशू अलग है डेवलपमेंट स्कीम जो इशू के डेवलपमेंट के खिलाफ मैं सुना तो कोई भी छड़ो न खपन
पर गाल या है तो वो राइट कहीं जो हो जी डेवलप कराने जो वो प्रोजेक्ट कहीं जो हो जी डेवलप कराने जो मां इन लिहाज से तो चीज सका तो कुछ पर बिल में छा है गाल इन में माके जान न होण जे करे मुखे अफसोस है निसा साहब एकड़ी शिक या ये चाहिए पॉइंट यो भी आ है तो सिक्योर जोन्स ए इनोसेंट जोन्स जे कैन वे कायम कया विंदा इन सामुदी हदन में बिना परमिशन जे या बिना लाइसेंस जे उन हदन में केर भी वनी न सकदो मतलब फिशरीज जी अवा गाल कई तो पोए जे के लोकल मुहाना सा जा विंदा इन समुद्र में वनी शिकार कंदा इन पोए शायद उनन के भी लाइसेंस वठणो पोंदो या उनन जे लाए ये नोगो एरिया थी विंदा सर मुझे सही गाल या है नोगो एरिया जी ना है फिशरीज या फिशिंग करण जा अख्तियारात जाहिर उतां जा लोकल मानू कंदा जी उन जो रेवेन्यू जो को थींदो वो थी सके तो सूबे के न मिले या मिले या वफाक खणे या न खणे फिशिंग केयर कंदो उतां जा लोकल मानू कंदा ना बाहरिया तो कोन ईंदा ग्वादर सजे में निसार साहब चाइनीज कंपनियों बगैर लाइसेंस दे उते जो कंट्रोल्ड एरिया हुनन जो थी वा उते वडा जे के हुनन जा जहाज है उनन ते फिशिंग कन था मकामी मानु बे इशूज है उन में बे इशूज है हर कें के खबर आए त असन जे समुद्र में फिशेस तमाम घणी आइन जी उन फिशेस वहां असन कमाए तमाम घणो कुछ सगाऊं पया पर असन के जे कने दिसों था रेवेन्यू कमिटर असन कितनी सी आमदन थे त मा समझा तो उन ते को खुशी दी गाल कोन थी नसीब थी समुद्र है नहमत समुद्र में फिशेज आन नहमत अस उन फिश के एक्सपोर्ट भी कर सकूं था पांजी लोकल कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं था जेकर उन में रेवेन्यू कमायण हुआ तो उन में घणो कुछ कर सकजे तो हैचरीज ठाए सकजन थ्यू सही उन में प्रॉन्स आन उन में ब्यू फिशेज आन उन में सब कुछ कुछ भी है लाइक केतरो मानू कमायण था जेकर तहां दिसो वनी हांगकांग के तहां दिसो वनी के बेनंदन के तो उनकी केतरी मुबादला उनको ठहे तो पो उन रेवेन्यू केतो तो ठहे यो अल्टीमेटली तो मुल्क के ही फायदो थी न अल्टीमेटली मुल्क के ही फायदो कराण खपे ठीक है बाकी सूबे के केतरो मिलंदो आ फिशरीज मा उन जा रिकॉर्ड ता दिसी सको था उन जी ता रेवेन्यू दिसी सको था असा लोकल मानन जे लिहाज का ते कई जमाने में यो बस कानून ठायो तो जेके असा जे इनलैंड ये ढंडू आन उन्हें ते लाइसेंस खत्म करे छड़ा से तो लाइसेंस करने की जरूरत ही ना है इनमें रेवेन्यू मिले ही केतरो तो जो उन्हें ते वही लाइसेंस वठूं ये क्यों ये क्यों अड़े नमूने से उन्हें ढंडुन ते जे के नन्हा दरिया दरिया के भरसा ढंडू आन नेचुरल लेक्स आन उन्हें ते अगे पेरियो लाइसेंस हुंदा असा उहे ते खत्म करे छड़ा से लोकल मानू के सपोर्ट करने के लिहाज का पर समुद्र की जेका आमदनी आए समुद्र की आमदनी थी सके थी समुद्र मां तेल भी निकरंदो आ समुद्र मां गैस भी निकरंदो आ ये जेके असांजी आमदनी जा ज़रिया थी सघनि था उन ते ज़रूरु कुझु न कुझु हुकूमतूं सोचे सघनि थियूं ऐं हिन ते सिंधु हुकूमत न सोचे पर वफ़ाक़ी हुकूमत हिन ते कंट्रोल करे वरितो आहे साहिब ऑपरेशन ऑयल एंड गैस वारा जेके बि रिसोर्सिस आहिनि उन्हनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत कंदी हाणे सिंधु हुकूमत न मां अर्ज़ु इहो कयो मां अर्ज़ु इहो कयो त मां बिल ॾिठो कोन्हे तंहिंजे करे चङे नमूने सां मां ॻाल्हाए सघंदुसि कोन पर मां इहे भला ब्रॉड लेवल ते ॻाल्हाए सघां थो उन में चई सघां थो बाक़ी सिधी सही ॻाल्हि आहे मां त सिधो सो सुवाल थो कयां न त सिंध याने सूबो बलोचिस्तान याने सूबो पंजाब में समुंड कोन्हे हे ॿई सूबा आहिनि पाकिस्तान में जिते समुंड लॻे थो पियो हाणे हिन ॿिन्ही सूबनि में इन समुंड मां सूबे खे आमदनी मिलंदी केतिरी हुई असां तव्हां सभिनी खे गॾिजी सोचणु इहो खपे त छो आमदनी न मिलंदी तमामु घणी त असां छो कंहिं ॿिए खे ॾिनी ठीक है निसार साहब नसीर मेमन साहब अवां वट कुछ पॉइंट्स आइन सर जे करे शेयर करण चाहियो निसार साहब सा अच्छा मैदा निसार साहब मेहरबानी मुखे जे कर ता 5 मिनट लो के मा थोरो कांटेक्ट शेयर करया जी जी काई जो थिएटर जो अग में एक हो जो को अमेंड थियो आ अमेंड ने दसो मेरी टाइम आइन मोजब फेडरल सब्जेक्ट आ 1882 जो एक्ट है नसीर साहब जो न को प्रोविंस जो लेट्स पुट द फैक्ट्स द फैक्ट्स आ उने हिसाब सा मेरी टाइम जे जोन से हिसाब से जेका भी लेजिस्लेशन है वो वफाकी हुकूमत ही कंदी है सुबह न कंदा कदें भी न कई सन प्लीज ठीक ठीक आ तो तुम चो तो 12 नॉटिकल माइल्स तक सूबे जा होया वो वफा खणी वे इं भी कोने 1976 के एक्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 किलोमीटर तक हो इन विच में पाकिस्तान 2009 या 10 में यूएन में वे हो तो अस जे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एरिया बढ़न घुर्जे उन को क्लेम विधो जे का मेरी टाइम्स जा यूएन जा कन्वेंशन है उन हिसाब से पाकिस्तान क्लेम विधो वो 2015 में क्लेम एक्सेप्ट कयो पाकिस्तान के 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वधी मिलो
वो वधी मिलण दे करे इन ते लेजिस्लेशन करनी हुई ते जे ओए जोन्स उन में शामिल हो जन तवा जन आइलैंड छने जी गाल कयो था दिसो एक 12 आर्टिकल माइल और मामलो है ना जी सर जेस ते मुख्य मालूम आ तो उने जो जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किथे कोने कहां भी डॉक्यूमेंट में मुने पड़ो सिर्फ डीप सी फिशिंग पॉलिसी में आर्टिकल माइल सूबन जा बारह नॉटिकल माइल डीप सी फिशिंग पॉलिसी मूजिब फिशरीज राइट्स सूबन जा दिनल हुआ मुख्य अखबर कान्हे तो कॉन्स्टिट्यूशनली या टेरिटरी सूबे की है या न पर हियर टाइम आई अज्यूम तो करा तो जे तो फिशिंग राइट्स सूबन के मिलल है त जे करे वो टेरिटोरियल राइट्स बुन जा हुंदा दिस इज आई एम जस्ट अज्यूमिंग आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट तो बेहतर है त ने के लीगल लीगल एक्सपर्ट्स का क्लैरिटी वरती वने आई हुआ पे यो ता ज़हन में रखो तो जे इकोनॉमिक स्पेशल एक्सटेंडेड जोन जी ता गाल था कयो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजी जी सर जे में ता कयो तो उनके फिशिंग राइट्स बाहरन के लाइसेंस मैरीटाइम जो कंट्रोल आई बाहरी शिप्स जो ना जन ये तो शुरू का फेडरल गवर्नमेंट वटा ये अमेंडमेंट के करे थोरी आया ता प्लीज चाहतर जो कडी दिसी पड़ी वटो तो मुझे ख्याल है तो असा के शेयर के ठीक कॉन्टेक्स्ट में रखन गुरजे मुख्य सिर्फ बचे समझ में चंद जो निसार साहब के सामू रखा तो बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध एट द मोमेंट जी निसार साहब 12 आर्टिकल माइल्स वाला जो को मामला वो फिशिंग डीप सी फिशिंग पॉलिसी का सवाल ने जो किथे जिक्र कोने प्लीज यो चेक करे तो छा ने सिंध जो टेरिटोरियल राइट आ क्या सिर्फ फिशिंग राइट आ एंड जो टेरिटोरियल राइट आ तो वो सिंध हुकूमत उन 12 आर्टिकल माइल्स ला पंजी का पॉलिसी फॉर्मुलेशन करे या पंजी का लेजिस्लेशन करे सिंध जो उनते राइट रिकग्नाइज थे अदरवाइज जो सदाई बेटन ते जनशन ते सदाई असा जे मथा वफाक चढ़ो बैठो हुंदो यो मिसिंग लिंक का जे जो हन हन में मके हिकड़ो ही गैप नजर अचे तो 12 आर्टिकल माइल जे टेरिटोरियल वाटर्स में जो जिक्र ना आए थल तो उनते सूबन जो राइट हुंदो या ना इने जी क्लैरिटी जरूरी है या एंबिगुइटी ठीक है मेहरबानी बिल्कुल असा जी कम के जो असा माफी ता गुरो मा जरूर न गाल के थोड़ो जांच करना थी ते जे उनके करेक्ट कराए सकूं अयूब शेख साहब अवा कुछ शेयर करन चाहिंदो सर निसार खोड़ो साहब असा सा गडा इन प्रोग्राम में निसार साहब सलाम अलैकुम जी हां सलाम अलैकुम सब पैरा मेहरबानी मो ही बिल पढ़यो आ यो बिल त टेरिटरी सा आए उन जे अंदर छा-छा थणो आ वो सब कुछ उन में लिखल ला आए असल में ही बिल 2021 में पीटीआई जे पारा अप्लाई थियो ऐं ले ऑफ ले डाउन कयो हो पीटीआई जी गवर्नमेंट उन खां पोइ आयो हो बेटन वारो मामिलो त इन खे ई रेफरेंस खणी ऐं इमरान ख़ान साहब इहा तकरीर कई त इन्हनि बेटन खे डेवलप करे असां सॼी दुनिया खे कराची वधीक वॾे नमूने मुतारफ़ कराइण था चाहियूं ऐं उते डेवलपमेंट जा राइट्स जेके आहिनि जेके सिंध गवर्नमेंट वटि आहिनि उहे जेके आहिनि उन्हनि चयो त असां पाण वटि खणणु था चाहियूं पर उन लाइ असां करेस्पॉन्डेंट कंदासीं सिंध गवर्नमेंट सां पोइ थियो छा त फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इमरान ख़ान साहिबु उन्हनि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खे लिखियो ख़त त हीअ जेके आइलैंड्स आहिनि इन्हनि खे असां डेवलप करणु था चाहियूं इन ते तव्हां असांखे पंहिंजी कंसेंट ॾियो पोइ काज़ी शाहिद परवेज़ साहबु बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो सीनियर मेंबर उन ॿिनि ॾींहनि में उहा कंसेंट मोकिले छॾी ऐं जॾहिं इहा ॻाल्हि सोशल मीडिया ऐं लोकल मीडिया ते आई ऐं सिंधी माण्हुनि चयो त हीअ जेके तारीख़ी तौरु हेॾा वॾा ॿिए ट्रेन ऐं उन्हनि ते हक़ बि सिंध जो आहे त फेडरल गवर्नमेंट इहे सॼी दुनिया जे लाइ खोले ऐं उते सभु कुझु डेवलप करे ऐं आख़िर करणु छा थी चाहे पोइ सिंध गवर्नमेंट न रुॻो उहो नोटिफिकेशन ऐं इजाज़त वापसि वरिती ऐं पाण उन जी वज़ाहत बि कई त असां इन्हनि ॻाल्हियुनि जे हक़ में न आहियूं मूं वटि हिकिड़ो सुवालु हीउ आहे उहो ई त जेको कुझु अॼु थिए थो अॼु जी गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुदि आहे पार्ट एंड पार्सल हिन सॼे अलाई गवर्नमेंट जो त
इहो इहा ॻाल्हि मुमकिन आहे त सूबनि जे राइट्स जे बारे में पार्टियूं वरी पाण में वेहनि ऐं जेके जेके लेकुनाज़ ऐं जेके जेके कमज़ोरियूं असांखे विच पैसे जा टाइम साम्हूं आयूं आहिनि या एक्सपोज थियूं आहिनि उन्हनि ते वरी बहस करे ऐं हिकु दफ़ो सेटल कजे। साईं हाणे अर्ज़ु इहो आहे त सूबाई मुख़्तारी जा असीं दिलदादा आहियूं ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तारीअ ते सभिनी रज़ामंदी ॾेखारी त हा हुजणु खपे छाकाणि जो घणे वक़्त खां डिनाए थियल आहे। उनजे विच में जेकॾहिं के मसला पैदा थियनि था त इहो ऑप्शन बिल्कुलु हुजणु खपे त पार्टियूं वरी इन ते गौर कनि, पंहिंजे हक़नि खे प्रोटेक्ट करे सघनि, पंहिंजे सूबे जे हक़नि खे प्रोटेक्ट करणु असां सभिनी जो फर्ज़ हुजणु खपे। का ॻाल्हि अहिड़ी थी आहे जेका नादानी में थी आहे, ॼाणी बुझी थी आहे, मां हिन महिल लाइलम आहियां, पर असां इहो टेकअप सिंध गवर्नमेंट सां बि करे सघूं था, असीं सेनेट में बि करे सघूं था, असीं सेनेट में बि हुनजो आवाज़ु उथारे सघूं था। थोरो मूंखे इजाज़त ॾियो त मां कुझु पढ़ी सघां, जांच करे सघां ऐं उनखां पोइ इहो ऑप्शन कॾहिं बि ख़तमु थियणु न खपे त को सियासी पार्टियूं पाण में वेहंदियूं न त छा कंदियूं, पोइ अॻे में वेठियूं हुयूं, अॻे में बि कंसेंसस पैदा करे सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी ॾिनी वई जेका थी सघे थो घणनि माण्हुनि जे घणनि दोस्तनि जे नज़र में काफ़ी न हुई, उनमें इम्प्रूवमेंट करण जी ज़रूरत उन वक़्तु बि महसूसु कई वई ऐं अॼु बि महसूसु थी सघे थी। निसार साहब अवां वैलिड ॻाल्हि कई त सेनेट में बि हिन मामले ते बहस थियणु खपे, पर हीउ बिल जेको आहे क़ौमी असेंबली मां पास कराइण खां पोइ हिनखे फौरी तौर ते गज़ट जो हिसो बणाए इन ते अमल दरामद जेको आहे उहो फौरी तौर शुरू कयो वियो आहे। आइनी पासा जेके आहिनि उहे हिन जा सम्झूं था। शुआब ओस्तो साहबु सीनियर कानूनदान आइनी माहिर बि असांखे जॉइन करे चुका आहिनि। शुआब साहबु वेलकम थियो पिया अव्हांखे शो में। सर थैंक यू सो मच तव्हां जॉइन कयो। शुआब साहबु आवाज़ अचे पियो अव्हां वटि? शुआब ओस्तो साहबु ॿुधो पिया सर? शुआब साहबु आवाज़ अचे पियो अव्हां ताईं? जेको रिप्रेजेंट थो करे पंहिंजो इंट्रेस्ट बि ज़ाहिर कयो आहे। मां ॿ टे इन में मामला जेके अॼोको इहो बिल पास थियो आहे उनजा रखां थो पियो साम्हूं ऐं उनजा सेक्शन बि कोट कंदुसि मां। हाणे सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 जो बि जेको पार्ट आहे उन ते थोरो मूंखे क्लैरिफिकेशन खपे ऐं मां निसार खोड़े साहब खे बि अर्ज़ु कंदुसि त हू इन मामले में फिल फॉर पंहिंजे लॉ डिवीजन खे या पंहिंजी लॉ डिपार्टमेंट खे उनखे घुराए, ए जी खे घुराए, उनखां पुछनि त बाबा ही तव्हां जेको इजाज़त ॾिनी आहे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऐं उनजी जेका बाक़ी डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड, हाणे इन ते थोरो मुंझां थो पियो ऐं मूं जहिड़ा माण्हू मुंझंदा त हीअ प्रोविजन हाणे रखी छॾी आहे जंहिं मामले में असां एतिरो ॻाल्हायोसीं इन ई प्लेटफॉर्म तां जेॾी महिल इमरान ख़ान जे ज़माने में इहो सिलसिलो आयो। त इन करे मां सम्झां थो शायदि त बिटवीन द लाइन इन बिल में कुझु अहिड़ी शयूं आहिनि जेके अॻिते वञी असांजे सिंध सूबे जे इंट्रेस्ट खे प्रोटेक्ट करण में एतिरो फाल न थी सघंदियूं। पर हिन में जीअं निसार साहबु चयो, इन में आइनी माहिरीन इन ते वेहनि, पंहिंजो सूबे जा जेके उन्हनि ज़रूरु पंहिंजी इन में कंसल्टेशन थी हूंदी, जे न थी आहे त ज़्यादती आहे सिंध सूबे सां, छो जो तमामु अहम हिकिड़ो इहो बिल पास थियो आहे। ॿियो इन में क्लास जेको सेक्शन आहे उहो 8.3 आहे, 8 जो सब सेक्शन 3। उन में तव्हां इंट्रो में जंहिंजी ॻाल्हि कई त लाइसेंस उन्हनि खे ॾिनो जेके उहो फेडरल गवर्नमेंट जे तरफ़ां मिलंदो लाइसेंस ऐं उन में एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट इकनॉमिक ज़ोन जेको एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन। पहिरीं ॻाल्हि त इहा त एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन या 12 माइल जेको 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल इज़ योर टेरिटरी। एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन 200 किलोमीटर ताईं लॉ ऑफ सीज़ जेके यूनाइटेड नेशन जो कोविनेंट आहे उनजे तहत 200 सबन कंट्रीज़ खे डिपेंडिंग त तव्हांजी ॿिए कंट्री जो बाउंड्री पाणी में बाउंड्री किथे थी बीहे त उन में को ॿियो कानून बि अची थो वञे, पर असां 200 असां वारी ॻाल्हि जेके ॿियनि दोस्तनि जी ॻाल्हि कई त असांखे जेको जेके शेल्फ जी कंटिन्यूएशन शेल जी थींदी आहे पाणी जे हेठि
तो जैसी तई वो शैल वो खड़ी चे 600 किलोमीटर हो 800 किलोमीटर हो 300 किलोमीटर हो दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ लॉज ऑफ सीज उन्हें मुल्क के दिनों वो उनके तहत असके एडिशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलो जैसे बदकिस्मती से असो एक्सप्लॉइट न करे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की गाल क्यों था पाया असि टेरिटरी में अची बाहर जहाँ वा वा ट्रॉलर उ मछी जहाँ आना बचा जो भी फिल्टर कर असा इतना जहाँ मून जो माहिगीर उ काफ़ी तकलीफ में हाँ पॉलिटिकल साइड की लीगल साइड से एक पॉइंट बया पॉइंट लीगल साइड से सामू रखी छड़ा तो उनमें उनका अलावा इन एक्ट में प्रोविजन आ सेक्शन में सेक्शन 32 में पावर टू मेक रूल्स वो जाहिर हर एक्ट में हों हों खे दिनो आ पर जी निसार साहब पे चवे तो इन गाल या मू खी तो सके पर इन में घट में घट पे तो इो करूँ अस मामलों इन में वे में वो सिंध ही बलोचिस्तान जो है तो उनमें घट में घट को क्लास से रखन ना तो इनके कें प्लेटफॉर्म से जो अस एतराज था क्यों इतने वेही चैनल से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सामू गाल अची थी वे उी कमेटी ठाईंदा सामू अगते गाल अची वे तो उनके वरी बिल पेश कर वरी जो इनके केतरा दफा बिल पेश कदा जड़ी मल इंदा मशीन मारण जड़ी मल एक्सप्लॉइटेशन जड़ी मल एक्सप्लोरेशन जड़ी मल कंस्ट्रक्शन जड़ी मल जो है बंडल आइलैंड से इन भेट से जड़ी मल जो इन तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान करे वरतो हो तकरीबन डेण वारो हो असा शोर शराबो क्योंसे तो थोड़ो बची पो तो घट में घट अस मफाद जो इन में थोड़ो मुझकारो आने क्लियर कर जरूरी मलिक व्यास के हवाले ये बेट क्या वह माजी में याद हों काफ़ी शुरू थी वही हाँ हाँ उन काफ़ी शुरू थी वही हुई इन भी पुराना आ जी मल डी एच ए का है उन पाँचों इनते नक्शो ठाया हो 92-93 में तो ब्रिज ठाईंदा जिते माई कुलाची का अगैं वही जी रेस्टोरेंट उतना वरी भेट असा है 1.5-2 किलोमीटर तो उत ब्रिज ठाए उनके डेवलप कदा उन वक्त जो प्लैन हमेशा यो प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कंदा है शोर शराबो थोड़ो थो तो वो छापुर थी पवी है इन एक दफे वेही सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट को डिसाइड कर अलीमन महर वजीर आला हुयो बिल्कुल तदें भी हो यो यो भी थियो जनरल मुशर्रफ जमान में भी तो बरल ही मुझे बटरे पॉइंट होया उन का अलावा लीगल पॉइंट्स काफी सारा हैं तो उहे बलेद बया दोस्त गलाए वठन तो उने ते असा के दिस इज अ फूड फॉर थॉट इन अ फूड फॉर थॉट में ता के लास्ट पॉइंट बुधाए छडिया डॉग्स पुलिस स्टेशन असा जी आ सिंध हुकूमत जी डॉक पुलिस स्टेशन आ आउट ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन दिस इज वन ऑफ द पुलिस स्टेशन उनकी तुम ज्यूरिसडिक्शन अंग्रेजन के वक्त का वही दिसो कि वो इकोनॉमिक जोन की टोटल ज्यूरिसडिक्शन डॉक पुलिस स्टेशन की आते वो दे कैन एनी वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ एनी काइंड दे शुड बी ऑथराइज इन सेक्शन जो पास थो एक्ट इन में थोड़ी अगेन थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा कई वही आ सूबे जी इन में ज्यूरिसडिक्शन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड एज पर द सूबे जी आए 18th अमेंडमेंट का बाद उन पे भी तो पुलिस इज द ज्यूरिसडिक्शन तो उनमें को मू कुछ ट्रॉलर अची तो वे तो मेरी टाइम चवंदा बाबा भजी वो तुम कड़ो वास्तो यो हाँ असो यो अची वो एक्ट तो तब भजी वो असि मर्जी से कदासूँ तो खड़ी जखा भी जखे जखे भी डेन लाइसेंस जखे मामले ते फिशिंग कराइन प्रोपर्शन कमिटी की ओवरसाइट करते का गालबोल कंदो इने ते सर निसार साहब मथे अग में ही अर्ज कम तो सिंध जे राइट ते जे कने को हमलो आए तो मुजो फर्ज आए तो मैं उनके इंडिकेट किया उन दी निशानदेही किया अला कंदो कंदा से ठीक है निसार साहब ही मामलो जहरी गाला जैसे अवा समझो वे बिल पढो उन का कोई वरी अवा वास्ता राप्तो जरूर कंदासू काइंडली असा के टाइम बाकी मुजो मुझी सिर्फ निसार साहब से यह होंगी तो बिल के तकरीबन हफ्तो थियण वो पीपुल्स पार्टी सिंध जो सदर आ निसार साहब ए सिंध की नुमाइंदगी वट आते वक्त तीन एतरी लाइलमी जहाँ सुठी को हफ्ते का वही बल्कि अ मथे टाइम थो हों नसीर असुलेट भी क्यों पढ़ू भी सभी तीन आगाही भी दूँ पाया
मुख्य खबर ना निसार साहब ने इलाज कोन निसार साहब का पॉलिटिकल मामलो अयूब अयूब के भी मयार देन खपे अयूब साहब न पहुंचे निसार साहब ताजी मेहरबानी ता मुख्य रिप्रेजेंटेटिव के ओ सिंध जो मिसा गदो मन जानो पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी वरी सिंध हुकूमत भी आए जरूर उनन के भी इल्म होंदो मां अगे में ता के जम सिंध हुकूमत सा भी इशू करंदा निसा साहब कराची जे मामले ते थोड़ो जेकरे गालायो आवाज सिंध जा सदर भी आयो कराची जो मेयर केर पियो थे सर अजा वधिक केतरी मुशावरत थींदी इन मामले ते सही मुशावरत दी गाल ना है जी कराची में सब खा वधिक सीटों पीपल्स पार्टी खटी वही आए बे नंबर से जमात इस्लामी टे नंबर से पीटीआई बाकी दो जमातूं आए जी सर आजादी तादाद में असी गणायूं असा जा नंबर गेम में असी थी सके तो पूरा न हो जाऊं जेंदे करे असा जो ख्याल आए तो असी जमात इस्लामी पिकड़ी संजीदा जमात आए असी जे करे उनसा ठही वजाऊं ए भई गज्जी उते हुकूमत ठाए सकूं एकड़े जो मेयर थे बे जो डिप्टी मेयर थे तो यो कराची शहर जला कुछ बेहतर थी सके तो पर उन में अन्या कुछ शयूं रहल हैं जेंदे करे फैसलो न थियो आ एकड़ो तो कुछ यूनियन काउंसिल रहन जिन जो इलेक्शन थियणी आ जेका उन वक्त थी न सकी कंहिंजे फॉर्म थी वञण जे करे या कंहिं ॻाल्हि जे करे पोइ यारहं ॿारहं त खनि आहिनि कराची में हैदराबाद में हिकु ॿ आहिनि ॿियनि हंधनि ते बि हिकु ॿ हूंदियूं इन्हनि जी पहिरियों इलेक्शन थींदी उनखां पोइ रिज़र्व सीटनि ते इलेक्शन थींदी उनखां पोइ टोटल नंबर जी ख़बर पोइ पवंदी जॾहिं रिज़र्व सीटनि जो बि थी वेंदो मरहलो ठीकु सर इन्हनि खे अञा हलफ बि खणणो आहे हलफ खणण खां पोइ रिज़र्व सीटूं थींदियूं रिज़र्व सीटुनि जे टोटल खां पोइ मेयर ऐं डिप्टी मेयर जी वञी ॻाल्हि निकिरंदी हुन में टाइम थोरो आहे अञा इलेक्शन थियूं कोन्हनि इलेक्शन कमीशन हुन जो शेड्यूल ॾिनो कोन्हे कुझु छह खनि यूनियन काउंसिलूं आहिनि कराचीअ जूं जिते इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कई जमात इस्लामीअ उते अञा उहे पेंडिंग आहे उन्हनि जो फ़ैसिलो अञा न आयो आहे छहनि यूनियन काउंसिल जो सो उहो बि अची वेंदो ऐं इहो सॼो कुझु थी सघे थो ठीकु आहे निसार खोड़ साहब थैंक यू सो मच सर अवां जॉइन कयो ऐं न्यूज़ शेयर कया ॿीहर बि अवां सां राब्तो कंदासीं थैंक यू सो मच अगेन सर नसीर मेमर साहब इन हवाले सां जेको बिल इहो आयो आहे कानून साज़ी जेका थी आहे उन कानून साज़ी खां पोइ अवां हिकिड़ो तफ़सीली आर्टिकल बि लिखियो जेकॾहिं सवली सिंधीअ में आम माण्हुनि ताईं पैगाम पहुचाइजे ऐं सम्झाइजे उन्हनि खे त उहो मुख़्तसरनि छा आहे मतिलबु हीउ बिल जेको आयो आहे फिशरीज़ जे हवाले सां ऑयल एंड गैस जे हवाले सां डेवलपमेंट जेका आहे उहा वफ़ाक वटि आहे त इन जो सिंध खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो सर हाणे जेकॾहिं अञा बि के आइलैंड्स जेके आहिनि क्रिएट कंदी वफ़ाकी हुकूमत या आइलैंड्स ते इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहींदी उन लाइ लाइसेंस ॾींदी त मुंहिंजो ख़्याल आहे असां बिल खे अंडरस्टैंड करियूं कोन पिया असां इन फिट ऑफ नेशनलिज़म थोरो ओवर रिएक्ट पिया आई एम सॉरी मां इन ॻाल्हि ते ॾाढो क्लियर आहियां इहो बिल 1974 जे बिल जी जस्ट अमेंडेड वर्जन आहे जंहिंमें सिर्फ़ु कॉन्टीनेंटल शेल्फ जी एडिशनल लैंड एड थियल आहे मेरीटाइम सिक्योरिटी जो बिल आहे फेडरल गवर्नमेंट जो ई सब्जेक्ट आहे उन में किथे बि इहो कोन्हे लिखियल अथई आइलैंड्स तव्हां खां खसिजी आहे इहा ॻाल्हि सरे खां ग़लति आहे उहा तव्हांजी अख़बार बि ग़लति हेडिंग आई माज़रत सां उहे नेकनीयती में हूंदनि पर हाई ग़लति आहे ॾिसो मां थोरो गुज़ारिश करियां असांखे बिल खे थधे दिमाग़ सां सम्झूं जमील साहिब जिन क्लास जो ज़िक्र कयो इहे एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन जे क्लास जे हेठि एक्सक्लूसिव इकनॉमिक ज़ोन शुरू खां फेडरल टेरिटरी रही आहे इहो त कॾहिं बि न थियो आहे त वापरावंस जी टेरिटरी जेका हिन बिल जे थ्रू घुरिजी वई ईअं कोन्हे जंहिं ॻाल्हि ते ऐं जेको मिसाल अयूब ज़िक्र कयो त इमरान ख़ान हिन बिल खे रेफर करे ख़तु लिखी ऐं आइलैंड्स जो वरितो इहा ॻाल्हि बि ठीकु इन बिल जो को बि रेफरेंस उन्हनि हिकिड़ी डायरेक्ट चढ़ाई कई हुई सिंध जे आइलैंड्स ते आइलैंड्स पोर्ट कासिम अथॉरिटी खे लीज़ जे पार्ट तौरु मिलियल सिंध गवर्नमेंट ॾिना हुया पर उनमें असांजो ऑब्जेक्शन हो त सिंध गवर्नमेंट हुनखे पोर्ट ऑपरेशन लाइ ॾिना हुआ कमर्शियल पर्पज़ लाइ न ॾिना हुआ इहो ई असांजी थी पाण खे थोरो लीगल ऐं टेक्निकल पॉइंट क्लियर थियणु अदरवाइज़ छा थींदो असांजो केस रिडिक्यूल थी वेंदो जेकर असां हुनखे मिसइंटरप्रेट कंदासीं केस रिडिक्यूल ऐं वीक थींदो तॾहिं मूं चयो पियो त असां शाहब साहब खां ॿुधूं हा उहो लीगल एक्सपर्ट आहे मां न आहियां असां मां शायदि केरु बि न आहे मूंखे ॾिसो मां हिन लॉ जे हवाले सां रुगो हिकिड़ी शइ मूंखे नज़र आई जंहिंजो मूं पंहिंजे आर्टिकल में ज़िक्र उहा इहा आहे बल्कि हिन लॉ खां अॻु में मूंखे अञा ताईं इहो क्वेश्चन आहे जेको कंहिं कॉन्स्टिट्यूशनल वायर खां असांखे सम्झणु पियो असां सभु चऊं वेठा ॿारहं आर्टिकल माइल सूबे जा मां बि चवंदो आहियां ऑनेस्टली मूंखे कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस कोन थो मिले मां अॼु इलाही डॉक्यूमेंट पढ़िया मूं ॿ कलाक
मेरी टाइम लास्ट पढ़िया ने पुरानो एक 76 जो खोले पड़ियो आ यूएन जो 200 पेजेस जो डॉक्यूमेंट आए जो लाफ सी जन जो जमीन साहब जिक्र मान जे 40 50 पेजेस पढ़िया नोवेयर इट इज मेंशन यूएन जे लामे तो टेरिटरी बिलोंग्स टू द कंट्री ना बाकी तो इंटरनल मैटर कंट्री के अंदर हुंदा है यूएन तो नहीं चलो तो बारा आर्टिकल में सूबे जा के कौन यूएन ला सर जमील साहब ये यार तो इंटरनेशनल पर मैं यो चवान टेरिटोरियल बाउंड्रीज की गाल था क्यों तो इो डिफाइंड को टेरिटरी बिलोंग्स टू कंट्री एज अ होल या विद इन दैट कंट्री 12 नॉटिकल माइल बिलोंग टू अ प्रोविंस दैट इज ना लिखल ना सर तो मुँह पे चाहो तो 12 नॉटिकल माइल में सूबे जो जिक्र सिवाय डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो किथे कौन थो मैं लाइट डॉक्यूमेंट अज पढ़िया नाज़रीन जी ये गाल बोल लमा बुधी पैनलिस्ट जी इन में काफ़ी सारा मूंझारा या खदशा अन्या भी बरकरार आहिन कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर थियण की ज़रूरत है गज़ट जेका है वह जैसे सामूँ इंदी उन में जो तफसील आहिन फिलहाल तीन जो बिल पास थो है इन ते गाल बोल कई पर उन गज़ट ते भी गाल बोल कंदासूं छाकाणि त इंतहाई अहम मामलो आहे ऐं पैनलिस्ट जेके आहिनि उन्हनि वटि अञा भी घणी शयूं आहिनि जेके डिस्कस करण जी ज़रूरत आहे इन प्रोग्राम जो ॿियो पार्ट जेको आहे उहो वरी इनशाला सुभाणे कंदासूं ऐं अवां सां इन प्रोग्राम में वरी कुझु जेके ॿिया पासा आहिनि इन मामले जा उन ते बि डिस्कस कंदासूं थैंक यू सो मच सर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहबु नसीर मेमण साहबु प्रोफेसर डॉक्टर अनाम भट्टी साहबु डॉक्टर यूब शेख साहबु शाहब ओसो साहबु अवां जी वॾी महिरबानी निसार खोड़ साहबु अवां जी बि वॾी महिरबानी सुभाणे हिकु भेरो ॿीहर इन अहम मामले ते वरी ॻाल्हि ॿोल्हि सिलसिलो जारी रखंदासीं